ओके नेक्स्ट है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो जैसे बॉक्स काम करता है वैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स भी काम करता है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं कि इनके क्या रूल्स हैं, ये लोग कैसे काम करते हैं, इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है और इनका ग्राफ क्या है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ये क्या होता है। ये एक्स है और ये बॉक्स एक्स है, तो बीच में ये जो गैप है दैट्स द रेजिड्यू, दैट्स द डेसिमल पार्ट एंड दिस इज डिनोटेड एज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। क्वेश्चन में अगर कर्ली ब्रेसेस हैं तो दे कैन बी नॉर्मल ब्रैकेट और दे कैन बी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% मेंशन करेगा दिस रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ी सी दया भी दिखा देता है, वो एग्जाम्पल भी करके देता है। देखो बच्चों फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 0.5, तो ऐसे एग्जाम्पल करके भी दे देता है कई बार। नेक्स्ट तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। नेक्स्ट तुम्हें अगर बॉक्स पता है तो फ्रैक्शन पार्ट कोई नई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शनल को अपन बॉक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस बॉक्स है, तो तुम्हें कभी भी अगर फ्रैक्शनल को हैंडल करना है दिस इज द बेस्ट वे, एक्स माइनस बॉक्स एक्स करके भी देख सकते हैं। देखो कैसे इसकी रीडिफाइनिंग क्या होगी, वही होगी जो बॉक्स की होगी, क्योंकि ये बॉक्स के टर्म्स में आ रहा है। बॉक्स कहाँ ब्रेक होता है, इंटीजर पे, तो करते हैं माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री। अब रीडिफाइनिंग करते हैं, एक्स एक्स ही रहेगा लेकिन माइनस वन से जीरो में बॉक्स होती है माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। ये एक्स माइनस जीरो, फिर एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस टू। तो दैट्स हाउ वी कैन हैंडल द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। लेकिन ये दिमाग में मत बिठा लेना कि जैसे ही फ्रैक्शनल दिखे उसको बॉक्स डाल दो। कभी कभी बॉक्स फ्रैक्शनल से भी हेल्प से सॉल्व होती है, कभी कभी बॉक्स भी फ्रैक्शनल से सॉल्व होती है। रीजन, फ्रैक्शनल की अगर रेंज देखेंगे तो वो आती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन। तो इसमें क्या करो, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी में फंसा हुआ है इंटीजर। बॉक्स सिर्फ ये बोलता है मैं इंटीजर हूँ, लेकिन फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी में फंसा हुआ है। तो कल को फ्रैक्शनल को बॉक्स में लाके उसको किसी इनइक्वालिटी में फंसा दो, फिर बोलो कि बॉक्स सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो सकता है और उसमें कितने इंटीजर है वही होगा बॉक्स। तो फॉर एग्जाम्पल कल को फ्रैक्शनल को बॉक्स में फंसाया तो ऐसा कुछ आया, बॉक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव एंड लेस देन वन, लेस देन वन। लेकिन बॉक्स रियल नंबर नहीं है, बॉक्स डेसिमल पार्ट में नहीं आता है, बॉक्स सिर्फ इंटीजर है, बॉक्स रियल नंबर है लेकिन डेसिमल में नहीं आता, इंटीजर आता है। तो कंटिन्यूस डेटा नहीं है, कंटिन्यूस डेटा नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है, माइनस फाइव से वन के बीच के सारे नंबर, पर बॉक्स सब ये तो नहीं हो सकता, बॉक्स तो सिर्फ इंटीजर हो सकती है। तो बॉक्स क्या क्या होगी, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, टू, वन, माइनस टू, माइनस वन एंड जीरो। वन नहीं होगा क्योंकि वन पे इक्वल टू नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, अपने को बॉक्स की वैल्यूज मिलना चालू हो जाएगी। मतलब तुम इस तरह से नहीं बिठा सकते कि फ्रैक्शनल दिखा तो उससे उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दो, कभी कभी बॉक्स को फ्रैक्शनल में लाके भी सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस में फ्रैक्शनल बॉक्स में ही जाती है, अगर कभी सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो वो बॉक्स में ही जाता है। नेक्स्ट इसके ग्राफ की प्लॉटिंग, तो ये इंटीजर्स पे ब्रेक हो रहा है, तो जीरो, वन, टू, थ्री, माइनस वन। जीरो से वन में वो एक्स था, वन से टू में एक्स, एक्स माइनस वन, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। नेक्स्ट अब जीरो पे क्लोज था तो डॉट, वन पे ओपन था तो हॉलो, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसको डॉट डॉट रेफरेंस के लिए, डॉट डॉट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो इट्स फॉर रेफरेंस। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। फिर वही रिमार्क, जैसे फ्रैक्शनल में थे बॉक्स में थे, जैसे बॉक्स में थे वैसे ही यहाँ पर भी। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जीरो होगा कब, जब एक्स इंटीजर है, तो क्योंकि इंटीजर में कोई डेसिमल पार्ट नहीं है तो उसका फ्रैक्शन हमेशा जीरो आएगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस एम, तो देखो पहला कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, रेजिड्यू पार्ट सिर्फ एक्स में, एम में ही नहीं, क्योंकि एम इंटीजर है तो उसके अंदर कोई रेजिड्यू पार्ट नहीं है। तो इसका रेजिड्यू पार्ट वही आएगा जो एक्स का रेजिड्यू पार्ट आएगा। लेकिन अगर तुम्हें मान लो मैथमेटिकली करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस एम होगा एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। लेकिन रिमार्क पड़ा था कि बॉक्स में एम बाहर आ जाएगी, तो ये माइनस एम, एम एम कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स होगा एक्स माइनस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स केसेस बनाता है, कैसे, जब वो इंटीजर है, जब वो इंटीजर है और जब वो इंटीजर नहीं है, जब वो इंटीजर है और जब वो इंटीजर
नहीं है। कैसे? क्योंकि जब वो इंटीजर है तो बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स जीरो होगा, तो फिर ये बॉक्स तो माइनस एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ बॉक्स एक्स हो जाएगा, विच इज माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो जब एक्स इंटीजर होगा तो ये माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होगा। कुछ झोल है, फ्रैक्शन नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। हाँ, लेकिन इंटीजर के केस में, सॉरी, इंटीजर है ना, तो इंटीजर के केस में ये दोनों इंटीजर ही होंगे, तो माइनस एक्स और ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस एक्स आ जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से भी समझ रहा है, क्योंकि एक्स अगर इंटीजर है तो उसका रेजिड्यू पार्ट तो जीरो है, तो जीरो है तो फिर वो फ्रैक्शन पर जीरो आ जाएगा, तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो जब एक्स इंटीजर नहीं है, तो जब एक्स इंटीजर नहीं है तो बॉक्स एक्स होता है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस वन, तो यानी बॉक्स ऑफ माइनस एक्स होगी माइनस वन माइनस बॉक्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस वन माइनस प्लस बॉक्स एक्स, तो ये वन माइनस ऑफ एक्स माइनस, तो ये होगा वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, यही है वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो दिस इज द रीडिफाइनिंग। ये सब क्वेश्चंस हैं, एक थोड़ा सा मैं बता देता डोमेन रेंज वाला। कैलकुलस में एसएस थ्योरी ज़्यादा नहीं है, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्वेश्चंस का वेरिएशंस वगैरह उसमें अपने को हिंट्स वगैरह अप्रोचेस मिलती है कि कब किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर, थोड़ा बहुत मैं बता देता। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर्टीन है कि माइनस फोर्टीन है, माइनस फोर्टीन है, माइनस फोर्टीन है। तो इसकी डोमेन निकालनी है। क्या मतलब है इसका? वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए ये मीनिंगफुल है। तो इससे पहले एक एलजेब्रा, मान लो एफ एक्स की डोमेन डी वन है और जी एक्स की डोमेन डी टू है, तो एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी? तो एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि फंक्शन प्लस फंक्शन इज अ फंक्शन। सी, जैसे वर्ड फंक्शन यूज हुआ है तो वो डेफिनेशन उसके साथ आ चुकी है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, तो वो उसके साथ चल रही है। तो एफ की डोमेन डी वन पता है, जी की डोमेन डी टू पता है, तो एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी? तो एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी? तो देखो, समझते हैं, ये वो एक्स है जिस पर ये मीनिंगफुल है, ये वो एक्स है जिस पर ये मीनिंगफुल है, मुझे वो एक्स चाहिए जिस पर दोनों मीनिंगफुल हों, तो ये साइमल्टेनियस कंडीशन है। तो कॉमन चाहिए, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू, तो एफ माइनस जी वही डी वन इंटरसेक्शन डी टू, एफ इंटू जी वही डी वन इंटरसेक्शन डी टू, क्योंकि दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए। तो वॉट अबाउट एफ अपॉन जी? बोले मीनिंगफुल होने चाहिए, तो डी वन अपॉन डी वन इंटरसेक्शन डी टू। लेकिन इस बार वो एक्स निकाल देंगे, वो एक्स निकाल देंगे जिसकी वजह से डिनोमीटर जीरो हो गए, क्योंकि जी जब जीरो है तो मीनिंगफुल तो है, तो वो तो डोमेन में ले लेगा, लेकिन ये नहीं लेने देगा एफ अपॉन जी। तो ये उस एक्स को निकाल देंगे जब जब जी एक्स जीरो है, उस एक्स को निकाल देंगे जब जी एक्स जीरो है। नेक्स्ट, डोमेन निकालने के दो तरीके हैं, पहला कि किसके लिए मीनिंगफुल है, और दूसरा कि मीनिंगलेस को आर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, मान लो रूट एक्स दिया है, तो ये मीनिंगफुल कब है? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। वन अपॉन एक्स लिया है, तो आर माइनस उसको निकालो जब ये मीनिंगलेस है, तो जीरो, तो आर में से जीरो को निकाल दो। फिर वन अपॉन एल एन एक्स, ये मीनिंगफुल कब है? ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये वन अपॉन एल एन एक्स होता तो पहला एल एन मीनिंगफुल होना चाहिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जब ये मीनिंगलेस है उसको निकाल दो, मीनिंगलेस कब है? जब डिनोमीटर जीरो है। तो एल एन एक्स जीरो कब होगी? जब एक्स वन होगी, तो उसको निकाल दो, वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर है। तो लिखने का तरीका, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस माइनस वन, ये तरीका, नहीं तो दूसरा तरीका, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, एक और तरीका, जीरो से इन्फिनिटी पर उसमें से वन निकाल दो, एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चंस 100% देख लेना, अगर तुम्हारा डोमेन वगैरह डोमेन रेंज का अगर वीक है तो कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो देख लेना, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो जाते हैं वो मेथड ऑफ इंटरवल से ही जाते हैं। डोमेन में निकालने के फंडे में यू अप्लाई ऑल द कंडीशन। एक अच्छी चीज़ क्या है,
इफ यू अप्लाई ऑल द कंडीशन, बाद में जाके इंटरसेक्शन ही लेना है, कितना ही कहीं से भी हो इंटरसेक्शन ही लेना है. तो विद इन ए केस इंटरसेक्शन ऑल द केसेस यूनियन, विद इन ए केस इंटरसेक्शन ऑल द केसेस. अब इसको समझते हैं, मैं इसकी डोमेन निकालूंगा, इसकी डोमेन निकालूंगा, फिर दोनों को यूज करके पूरे वाले की डोमेन पे कमेंट करूंगा, क्योंकि मैं पूरे की डोमेन एक साथ नहीं निकाल सकता. तो एलजेब्रा लगा रहे हैं कि पहले वाले की डोमेन निकालेंगे, दूसरे वाले की निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे. तो करते हैं, तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव, अच्छा नॉन नेगेटिव, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फिर एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर्टीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन ये डिनोमीटर में बैठा है और डिनोमीटर जीरो लेने नहीं देगा, तो ये जीरो को निकाल दो. तो दिस इज द इनइक्वालिटी. तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का एक तरीका बता देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है, कैसे सॉल्व करते हैं. पहले फैक्टर्स बना दो, तो 20 का क्या जाएगा, 5 और 4 जाएगा, तो x माइनस फाइव और x प्लस फोर, इसका जाएगा 2 और 7 लग रहा है इसका, तो x माइनस सेवन और प्लस टू. तो देखो ये बोलेगा माइनस फाइव फोर, तो 5 पे डॉट उसके आगे, माइनस फाइव पे डॉट उसके पीछे, वो बोलेगा माइनस टू, वो इधर है और 7 इधर है और पॉजिटिव चाहिए, तो 7 पे होलो उसके आगे, माइनस टू पे होलो उसके पीछे. हमें चाहिए एंड, हमें चाहिए इंटरसेक्शन. तो ये रहा एक इंटरसेक्शन और एक ये रहा इंटरसेक्शन. तो डोमेन हो गई एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर, यूनियन 7 से इन्फिनिटी, बट बी केयरफुल एट एंड पॉइंट, यहाँ माइनस फोर पे डॉट है, इधर भी डॉट है, इंटरसेक्शन और यहाँ पे होलो है, तो ये ऊपर इंटर. तो दिस इज द डोमेन. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है. क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है, ये क्वाड्रेटिक वो क्वाड्रेटिक है जिसका मुंह ऊपर खुल रहा है, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका मुंह ऊपर खुल रहा है. तो जिसका मुंह ऊपर खुल रहा है वो पॉजिटिव होगी रूट्स के आगे और रूट्स के पीछे. ये भी वही क्वाड्रेटिक है जिसका मुंह ऊपर खुल रहा है, पॉजिटिव चाहिए रूट्स के आगे और रूट्स के पीछे, नेगेटिव चाहिए होती तो रूट्स के बीच में. तो ये होना चाहिए, यहीं से ऐसे 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 कर करके स्पीड मिलती है. तो तुम्हें खुद को भी डेवलप करना आना चाहिए कि कैसे तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, कि कैसे मैं इसको, मैं कुछ चीजें स्किप कर दूं और स्किप करके मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाऊं. ओके, सो वो था डोमेन का क्वेश्चन, ये है रेंज का क्वेश्चन. डोमेन डोमेन निकालना इजी है, डोमेन निकालना कंपलसरी है. तुम अगर कैलकुलस चैप्टर कर रहे हो, तुम अगर कैलकुलस सेक्शन कर रहे हो, कैलकुलस के क्वेश्चंस हैंडल कर रहे हो, डोमेन 100% निकालना आना चाहिए. ये टिल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे सिलेबस में जाएगा. तो डोमेन इज अ कंपलसरी, डोमेन इज इजी, पर डोमेन में एक अच्छी बात है कि उसको निकालना आसान है. यू अप्लाई ऑल द कंडीशन एंड टेक इंटरसेक्शन, तो वो थोड़ा इजी जाता है. डोमेन निकालना कंपलसरी है क्योंकि जितना भी आंसर किया जाएगा वो डोमेन में रह के ही किया जाएगा. नेक्स्ट रेंज, रेंज निकालना डिफिकल्ट जाता है, रेंज थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है, पर रेंज कंपलसरी नहीं है. पर तुम अगर रेंज निकाल पाते हो तो देन क्वेश्चन को तुम और इजीली हैंडल कर सकते हो. तो रेंज कैसा है ना, थोड़ा टेक्निकल है, इट्स नॉट ईजी, बट ये ऑप्शनल है. निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो फिर कुछ और तरीके भी लगा सकते हैं. रेंज ऐसा मौका दे देता है कई बार, लेकिन डोमेन ऐसा करने नहीं देगा. डोमेन कंपलसरी है, वो आना ही चाहिए डोमेन. तो रेंज भी क्या है, ट्रिक्स लगती हैं, कैसी कैसी ट्रिक्स लगती हैं. ऑब्जर्वेशन इनइक्वालिटी में फंसाना, फिर डेरिवेटिव हेल्प करेगा. तो कई बार स्पेसिफिक अप्रोचेज होती हैं इसकी, कि ऐसा ही करेंगे तो रेंज निकल के आएगी. तो रेंज थोड़ा सा टेक्निकल है, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे हैं, है ना. तो देखो पहली चीज, रेंज कभी भी जब निकालते हैं तो हमेशा डोमेन में रह के निकालते हैं. डोमेन अपने हाथ में है कि कैसे निकाल सकते हैं, पर डोमेन बोलती है फॉर विच द फंक्शन इज मीनिंगफुल. पर रेंज कभी भी जब निकाली जाती है तो डोमेन में रह के ही निकाली जाती है. तो कभी भी रेंज थोड़ा सा टेक्निकल है, तो रेंज कभी भी जब आंसर कर रहे हो पहले ये चेक करो ये ले क्या रहा है.
क्योंकि ये क्या देगा कि ये क्या ले रहा है, तो हो सकता है कल को डोमेन काट दी जाए, विच इज पॉसिबल, द डोमेन इज ऑल्सो डोमेन. ओके, तो सबसेट ऑफ द डोमेन इज ऑल्सो डोमेन. तो कई बार डोमेन को काट पीट दिया, काट भी दिया जाता है, तो उसमें रेंज पे कमिट करने को करते हैं. इसको डोमेन में लिया एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ये क्या देगा माइनस वन से वन. नेक्स्ट, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसने डोमेन के साथ छेड़खानी की है, डोमेन को कट पीट कर दिया है, लेकिन साइन क्या देगा कि उसको क्या मिल रहा है, और साइन को मिल रहा है सारे पॉजिटिव नंबर. अगर साइन को पूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिल रही है, यानी साइन को पूरे चारों क्वाड्रेंट मिल रहे हैं, तो चारों क्वाड्रेंट उसको मिल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन उन चारों क्वाड्रेंट में माइनस वन से वन सारी वैल्यूज देगा, तो रेंज है इसकी माइनस वन से वन. नेक्स्ट, रेंज कभी सिंप्लीफाई करके भी निकाली जाती हैं, तो ये कॉस रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय फाइव प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय फाइव, वो वन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय फाइव माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय फाइव हो जाएगा कॉस डबल एंगल, तो टू ऑफ एक्स बाय फाइव. ये कॉस को क्या मिल रहा है, इसको पूरी एक्स एक्सिस मिल रही है, इसको पूरी एक्स एक्सिस मिल रही है, तो रेंज में क्या देगा माइनस वन से वन. नेक्स्ट, वाई इज इक्वल टू फोर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको निकालना है. कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाई करके, तो फोर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कैंसिल कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू फोर साइन एक्स, तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है माइनस वन से वन, तो ये हो गया माइनस फोर से फोर. लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं. तो कैलकुलस में तीन चीज़ों का ध्यान रखो, पहली चीज़ रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, जो रखेंगे रियल नंबर रखेंगे रियल नंबर ही मिलेगा. दूसरी चीज़, जो ये चीज़ एक बार लिख दी चीज़ उसके हिसाब से चलेगी, इसने चीज़ ये लिखी है इसके हिसाब से चलेगी, इसके हिसाब से नहीं चलेगी. दूसरी तीसरी चीज़, बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, ये चीज़ मैटर करेगी तुम्हें लिमिट चैप्टर, कंटिन्यूटी चैप्टर, डिफ्रेंशियबिलिटी चैप्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्पेशली मोनोटोनोसिटी, तो उसमें मैटर करेगा. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये क्या मैटर कर रहा है, तो देखो ये माइनस फोर से फोर तब देगा जब ये माइनस वन से वन देगा, और ये माइनस वन से वन तब देगा जब इसको सारी डोमेन मिल रही है, पर डोमेन डिसाइड्स ये करेगा. तो टेन एक्स, टेन एक्स में वाई एक्सिस मिसिंग है, क्योंकि टेन एक्स वाई एक्सिस लेने नहीं देगा, तो टेन एक्स में वाई एक्सिस मिसिंग है, साइन एक्स को वाई एक्सिस नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो वो वन और माइनस वन नहीं देगा, तो वन और माइनस वन नहीं देगा, तो ये माइनस फोर और फोर नहीं होगा, तो सिर्फ माइनस फोर और फोर पे ओपन इंटरवल, तो रेंज आ जाएगी माइनस फोर से फोर इंटरवल. तो रेंज बहुत टेक्निकल है, डोमेन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. यू अप्लाई ऑल द कंडीशन एंड टेक इंटरसेक्शन, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है एंड टेक इंटरसेक्शन. थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू साइन एक्स, तो देखो इसकी रेंज क्या होगी कि ये क्या आउटपुट दे रहा है, ये क्या आउटपुट दे रहा है कि इसको क्या इनपुट मिल रही है, और इसको क्या इनपुट मिल रही है कि साइन एक्स क्या आउटपुट दे रहा है. तो साइन एक्स दे रहा है माइनस वन से वन, तो कॉस को मिल रही है माइनस टू से टू, यानी कॉस को मिल रहा है माइनस टू से टू. अब मेरे पास दो तरीके सॉल्व करने के, पहला तरीका ग्राफ, दूसरा तरीका क्वाड्रेंट. तो मैं पहले क्वाड्रेंट में डिसाइड कर लेता, तो क्वाड्रेंट में चलते हैं. तो इसको मिल रही है माइनस टू से टू, क्या ये चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, देखते हैं. माइनस टू मतलब क्लॉक वाइज माइनस टू, यानी यहाँ कहीं होगा और टू यहाँ कहीं होगा. अगर इसने चारों क्वाड्रेंट कवर कर लिए होते, कॉस को चारों मिल रही होती, कॉस माइनस वन से वन दे देता, लेकिन कुछ मिस हो गया, तो डोमेन उसकी इनपुट मिस हो गई, तो आउटपुट भी हो सकता है मिस कर दे. अब वो कितना मिस करेगा वो अपने को देखना है. तो हुआ क्या, फर्स्ट और फोर्थ तो उसके सेम है, जीरो से वन, इधर वो नेगेटिव होता है इधर वो माइनस वन होता है, मतलब मिस तो इसने किया है, क्योंकि माइनस वन भी मिस हो रहा है, तो इतना सारा मिस तो किया उसने. नेक्स्ट, कॉस में नीचे जो होगा वही ऊपर होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं. तो ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, तो यहाँ होता है वन, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते कॉस टू, तो इसकी रेंज हो गई कॉस टू से वन. बट बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, तो क्या वन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, क्या वन मिल रहा है, वन मिल रहा है, साइन एक्स को जीरो रख दो, हाँ वन मिल रहा है क्लोज इंटरवल. क्या कॉस टू मिल रहा है, कॉस टू कहाँ मिलेगा, जब ये टू होगा, टू कब होगा, जब साइन एक्स वन होगा, साइन एक्स वन हो सकता है, तो क्लोज इंटरवल कॉस टू से वन. और बेस्ट है ग्राफिकल मेथड, तो वो भी समझ लेते हैं.
तो ग्राफिकल मेथड भी समझ लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड समझते हैं, कॉस क्या देगा कि कॉस को क्या मिल रहा है। अब कॉस को मिल रहा है ये, तो ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। अब कॉस को मिल क्या रहा है, कॉस को मिल रहा है ये होती है माइनस पाई, ये होता है जीरो, ये होता है पाई बाय टू, ये होगा थ्री पाई बाय टू, ये होगा पाई। इसको अगर माइनस पाई तक मिलता तो ये माइनस वन दे देता, इसको मिल रहा है सिर्फ माइनस टू और ये हो गया यहाँ पे टू, तो इसको मिल रहा है सिर्फ इतनी डोमेन और इतनी डोमेन पे वो इतना ही ग्राफ देगा, तो बाकी को जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसको मिल ही नहीं रहा। तो इतनी डोमेन मिल रही है तो इस पे, तो इस पे फिर वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन इज अ रेंज, तो इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन इज अ रेंज। बट बी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स, ये मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, तो ये मिलेगा डॉट, ये मिल रहा है क्या, मिल रहा है डॉट, तो ये वैल्यू है कॉस टू, ये है वन, तो रेंज y एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल कॉस टू से वन, y इंटरवल कॉस टू से